मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 जून 2022 के आज का दिन, विशेष दिवस मातेश्वरी जी को याद करने का, उनकी पुण्य स्मृति के दिवस पर आज कक्षा में मातेश्वरी जी के द्वारा ही जो मधुर महावाक्य सुनाए जाते रहे हैं उनको सुनते हैं। मुरली का सार है, कर्म ही सुख और दुख का कारण है। तो सुनते हैं मुरली। मातेश्वरी जी कहती हैं कि यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। तो जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा इसीलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे कि यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसीलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं कि किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। नहीं, यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है उस सुख दुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, यह तो कॉमन कहावत है, और जो करेगा सो पाएगा, गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। नहीं, जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है, इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाल मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में, जोश में आकर भगवान को भी गाली देने पर लग जाते हैं। तो अभी तुम्हारे आगे यह जो बातें आई कि यह किया किसने, कि यह अकाल मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वह सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो कि दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो कि हे भगवान, दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए, बताओ? भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए भी तो यह नहीं कह सकते कि यह दुख उसने दिया। जो दुख में याद आ रहा है तो फिर उसने दुख कैसे दिया? तो यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है ना, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है, उसमें भी कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीजें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो मेरा तो सुखदाता है,
तो जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना, देखो आयु के लिए भी दुआ मांगते हैं। तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े, कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं कि भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में भी उसे याद करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उसके पास ही है, ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उसके पास इलाज है। तो यह सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड, भले कोई जाने ना जाने कि ये गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता जरूर है। तो यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं उनका क्या हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है, क्या वे दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है। यह तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं, अगर देता तो याद क्यों करते। दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है, अंदर वही खुशी आती है, तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है, अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं, एक मैं दूसरा वह, तो जरूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूं और मैं ही दुख में दुखी होता हूं और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूं, तो देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज से छुटकारा चाहते हैं वह चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूं, आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं हूं कि फिर भी दुख बनता जाता है, तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता है तो पहले उसका पता निकालना चाहिए ना, तो जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज, समझ होनी चाहिए। तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए, परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं, कहेंगे फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्या करें, ग्रस्त धंधा आदि संभाले या ये करे वह करे क्या करे। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसी दुख में पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए, बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज बना करके मैं दुखी होता हूं उसका क्या कारण है। तो पहले मुझे यह तो समझ होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं, क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहां बताया जाता है कि जिन चीजों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है वह भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है, परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, कैसे अपना ग्रस्त व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि, जो समझ मिलते भी उसे धारण ही नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि ये अनुभव की चीज है। जरूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुख दाता है वह स्वयं हमको अपना ये परिचय दे रहा है कि बच्चे तुम दुखी क्यों हो, कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता ही नहीं चलता,
जिसके कारण तुम दुख उठा रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? ये आकर के समझो, देखो। हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है, देखो। ये सुनते भी बेचारे कहते हैं, शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है, और चाहते हुए भी जिस चीज के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और सुख देने आया हूं। तब तो गाते हो ना कि दुख हटता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता कल सुख हटता, नहीं। तो हर दुख का वो हटता है। बाप कहते हैं कि बच्चे मैं आया ही हूं तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाएं। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खाना पिलाना ये सब जो बातें हैं, उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंछ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे, और दूसरे तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन पांच विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। यह प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण है, उसको ही पांच विकार कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है, जो आने से फिर ये सभी चीजें दुख का कारण बन जाती हैं या बन चुकी हैं। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए ये संपत्ति धन आदि जो है वह सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये सब चीजें दुख में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है। वह अलग चीज है ये माया, पांच विकार। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते हैं ये सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो ये सुख की चीजें ही दी होंगी ना। इसमें तुमने विकार डालकर इनके सब भी इन सभी चीजों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की है, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं कि बार बार आओ, कुछ समझो। परंतु ऐसे नहीं कि यहां से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों को ही जरूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं। तो उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसीलिए उनको राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा यत्न करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है, उसको भी समझना और वह हक लेना है। खाली ऐसे ही थोड़ी उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसका भी तो कोई आकर सुने और समझे।
हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोटों में कोई जागते हैं, ऐसे भी हुआ है कि तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोटों में कोई मुझे जानते हैं, तो यहाँ आकर के इस चीज को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। बाबा कहते समझो और कुछ उनमें से कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल वाचान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान मिला है आज हमें अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहीं भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।